चीन की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने कहा है कि सिंगल्स डे पर आधे दिन में ही उसकी बिक्री 18 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इससे ये दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग कार्यक्रम बन सकता है। कभी चीन में अकेले रहने वाले लोगों का उत्सव कहा जाने वाला सिंगल्स डे दुनिया में खरीदारी का सबसे बड़ा आयोजन बन गया है। इस बार सिंगल्स डे के मौके पर शुरू के 2 मिनट में ही अलीबाबा ने 1 अरब डॉलर की बिक्री कर ली। पहला घंटा बीतते बीतते अलीबाबा की बिक्री ने 10 अरब डॉलर का आंकड़ा छू लिया था। सिंगल्स डे का आयोजन हर साल 11 नवंबर को किया जाता है। 10 और 11 तारीख की रात 12 बजते ही 24 घंटे का ये उत्सव शुरू हो जाता है। पिछले कुछ साल में ये उत्सव तेजी से खरीदारी का उत्सव बनता जा रहा है। शंघाई में शुक्रवार की रात भव्य आयोजन के साथ इसकी शुरुआत हुई। अलीबाबा ने भी सह संस्थापक और चेयरमैन जैक मा की अगुवाई में शानदार आयोजन किया। आयोजन में हॉलीवुड अभिनेत्री निकोल किडमैन, गायक फेरिल विलियम्स और झांग जी और फैन बिंगबिंग जैसे चीनी संगीतकार और फिल्मी सितारे मौजूद रहे। अलीबाबा के सह संस्थापक और वाइस चेयरमैन जोसेफ साई ने कहा, ये चीन और चीनी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा उत्सव है। इस दिन खरीदारी करना खेल और मनोरंजन की तरह है। आधा दिन बीतते बीतते अलीबाबा ने पिछले साल सिंगल्स डे के दिन भी बिक्री के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया था। पिछले साल इस दिन चीनी ई कॉमर्स कंपनी ने 17.7 अरब डॉलर की बिक्री की थी। टीम इंडिलिंक्स।